मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए रेडीमेड जो कुर्ती, इसको कैसे कटिंग करना है। यहाँ पे मैं बाजू को यहाँ पे इसको सिलाई को खोल दी हूँ, इसको अलग कर दी हूँ। यहाँ पे ज्वाइंट था बाजू, अब इसको साइड में कर दी हूँ। दोनों बाजू को मैं यहाँ पे खोल दी हूँ। अब यहाँ पे कंधे को भी अलग करना, सिलाई को इसको खोल के अलग करना है, फिर इसकी कटिंग करना है। अब यहाँ पे मैं कंधे को अलग अलग कर दी हूँ और बाजू को भी मैं अलग कर दी हूँ। अब यहाँ पे इसको पहले डबल फोल्ड में बिछा लेना है। इसको आगे का तो गला बना है यहाँ पे। अब इसको डबल फोल्ड में बिछा लेना है बिल्कुल बराबर से, गले को बिल्कुल बराबर से कर लेना है और नीचे को भी इसको बराबर से कर लेना है। सेंटर से सेंटर मिला, डबल फोल्ड में मैं बिछा ली हूँ। अब यहाँ पे इसको लेना है, गले की लंबाई देख रहे कितना है। गले की लंबाई यहाँ पे 8 इंच है। अब यहाँ पे तीरा मैं इसमें ले रही हूँ 3.5 इंच। अब यहाँ से हरमोल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच। चेस्ट है यहाँ पे 40 का है, तो यहाँ पे मैं 10 इंच का मार्का, यहाँ पे 10 इंच का मार्का लगा रही हूँ। अब यहाँ से टोटल इसकी लंबाई देख रहे हैं कितना, टोटल इसकी लंबाई मैं बनाऊँगी यहाँ पे 42 इंच का। अब यहाँ से इसको कमर पे मार्का लगाना करना है, 14 इंच पे मार्का करना है एक, और एक यहाँ पे 21 इंच पे मार्का करूँगी। अब कमर पे मैं यहाँ पे चौथा हिस्सा लेना है 18 का, मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्का लगा रही हूँ। अब इसको भी सीधा मार्का कर देना है। हिप पे यहाँ 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच पे मैं मार्का ले रही हूँ, यहाँ पे 10 इंच पे मार्का कर देना है। अब यहाँ से इसको हल्का हल्का सा ऐसे तिरछा करना है और यहाँ पे इसको मिला देना है। यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब टोटल कमीज की लंबाई, यहाँ पे टोटल इसकी लंबाई मैं इसको प्लाजो में बनाऊंगी तो पूरा इसकी लंबाई टोटल 45 इंच का तैयार होगा। अब नीचे यहाँ पे बॉर्डर भी दिया है, देखिए यहाँ पे इसको बॉर्डर को बराबर कर लेना है। नीचे भी बराबर कर लेना है। अब यहाँ से नीचे का घेरा यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 इंच, 10 इंच पे मार्का कर देना है। और यहाँ पे 2-2 इंच फोल्ड के लिए लेना है। अब यहाँ से 1/2 इंच अंदर के फ्रंट में लेना है। अब यहाँ पे हरमोल की गोलाई बना देना है और इसको कटिंग करके निकाल देना आगे वाले पार्ट को। अब यहाँ पे आगे वाले पार्ट को भी कटिंग करके निकाल देना है, जैसे मार्कर लगाए से इसको कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे इसको मार्कर कर दे कटिंग करके निकाल देना है। अब आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई, विस्टर कपड़े को साइड में कर देना है। अब इसको साइड में करना है और पीछे वाले पार्ट को कटिंग कर देना है। अब इसको भी मैं डबल फोल्ड में ले रही हूँ। स्टिकर इसको नहीं निकाल देना है। अब यहाँ पे इसको डबल फोल्ड में बिल्कुल बराबर से यहाँ पे बिछा लेना कपड़े को। अब इसको परेस करना पड़ेगा, इसको मैं बाद में परेस करूँगी। अब इसके आगे वाले पार्ट को लेना है और यहाँ इसके ऊपर इसको बिल्कुल बराबर से सेंटर मिला देना है। गला जो मैं पीछे के साइड बनाऊंगी 7 इंच का बनाऊंगी। अब यहाँ पे हरमोल की गोलाई को कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ पे गोलाई को भी कटिंग कर लेना, पीछे वाले पार्ट को भी। इस तरह कपड़े इसको भी कटिंग करके निकाल देना है।
अब इसको इस तरह कपड़े को साइड में कर देना है और यहाँ पे एक कुर्ता यहाँ पे लगा देना है, एक कुर्ता कमर पे लगाना है, एक कुर्ता हिप पे लगाना है, टोटल इसकी लंबाई। अब इसको साइड में करना है और पीछे वाले गले की कटिंग कर लेना है। गले की चौड़ाई मैं ले रही 2.5 इंच, गले की लंबाई मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे बॉक्स बना देना है। अब पीछे की साइड में यहाँ पे गोल गला बनाऊंगी। अब यहाँ पे इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब पीछे वाले गले की भी कटिंग हो गई है। बाजू की कटिंग पहले से ही है, ये रेडीमेड जी वाला कुर्ती था। हाय फ्रेंड्स, स्टिच करना आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, तब तक के धन्यवाद। देखिए आगे और पीछे दोनों की कटिंग हो गई। बाजू की भी कटिंग पहले से ही थी। रेडीमेड कुर्ती को कैसे कटिंग करना है पूरा आपको देख वीडियो में दिखाई हूँ। मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।